हेलो एवरीवन वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ रैंडम असाइनमेंट स्कीम्स जिसमें हम देखेंगे अलोहा क्या होता है स्लॉटेड अलोहा देखेंगे देन सी एस एम ए के अंदर हम दो वेरिएंट्स देखेंगे सी एस एम ए सी डी एंड सी एस एम ए सी ए तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले अलोहा के बारे में सो so अलोहा एक सबसे सिंपल प्रोटोकॉल है और इसको हम जनरली बोलते हैं प्योर अलोहा और जो इसका वेरियंट है अलोहा का प्योर अलोहा का जो वेरिएंट है उसको हम बोलते हैं स्लॉटेड अलोहा सो अलोहा क्या कहता है इफ अ नोड हैज डेटा टू सेंड इट बिगिंस टू ट्रांसमिट मतलब सपोज अगर एक एक, एक नोड है और इसके पास अगर कोई डेटा है सेंड करना है तो वो सीधा कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर चैनल के ऊपर उस डेटा को सेंड कर देगा ठीक है सो दिस इज द नोड इट हैज डेटा टू सेंड इट स्टार्ट्स ट्रांसमिटिंग ऑन अ चैनल तो ये कहता है आपका प्योर अलोहा अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है प्योर अलोहा में यहाँ पे आपके कॉल्यूजनस अकर हो सकते हैं क्यों क्योंकि इसमें चेकिंग नहीं की जाती देर इज़ नो चेकिंग वेदर अ चैनल इज़ बिजी और फ्री बिफोर ट्रांसमिटिंग हमने यहाँ पे चेक नहीं किया कि जो चैनल है वो पहले से ही कुछ ट्रांसमिट कर रहा था या पहले से ही बिजी था जैसे ही नोड को डेटा भेजना है वो सीधा डेटा भेज देगा ठीक है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है इसमें आपके कोलिजन uh, अकर हो सकते हैं अब देखो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं आपने डेटा भेजना है डेटा को आपने फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट किया ठीक है तो फ्रेम्स जो है इसमें दो पॉसिबिलिटी है या तो फ्रेम आपका सक्सेसफुली uh, सेंट हो जाएगा फ्रेम इज सक्सेसफुली सेंट या फिर फ्रेम आपका सेंट नहीं होगा यहां पे कुछ फेलियर हो जाएगा अगर तो सक्सेसफुली सेंट हो गया अगर तो सक्सेसफुली सेंट हो गया तो उस केस में क्या होगा नेक्स्ट फ्रेम इज सेंट अगला फ्रेम जो है उसको भेजेंगे नेक्स्ट फ्रेम इज सेंट और अगर कुछ फेलियर हुआ कि आपका जो फ्रेम है वो सेंट नहीं हुआ कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा रिसेंट होगा सेंट अगेन हम करते हैं उस फ्रेम को हम दोबारा से भेजेंगे ठीक है सो so, ये है आपका सिंपल अलोहा बट देर आर चांसेस ऑफ कोलिजन्स इन दिस पर्टिकुलर स्कीम कोलिजन्स होने की स्कीम कोलिजन्स uh, होने की पॉसिबिलिटी क्यों है क्योंकि हम यहाँ पे चेक नहीं कर रहे कि जो चैनल है वो बिजी है या फ्री है ट्रांसमिट करने से पहले अब इसका जो वेरिएशन है वो आता है स्लॉटेड अलोहा स्लॉटेड अलोहा में क्या होता है टाइम इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज स्लॉट्स अब यहाँ पे जो हमने टाइम है उसको इक्वल साइज इक्वल साइज स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर दिया और हम उसी स्लॉट के अंदर एक पैकेट को आप भेज सकते हो ठीक है तो इसमें क्या हुआ कि जब आपका साइज के अंदर स्लॉट डिवाइड हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ जो पैकेट का साइज है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गया सो पैकेट साइज इज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड जितने साइज का स्लॉट है आप उतने ही साइज का पैकेट भेज सकते हो तो पैकेट साइज भी आपका रिस्ट्रिक्ट हो गया इस केस में स्लॉटेड अलोहा में ठीक है अब इसमें प्रॉब्लम क्यों इतनी नहीं होती या फिर इसमें हम कह सकते हैं देर आर लेस कोलिजन देन प्योर हम, क्योंकि जो पैकेट का ट्रांसमिशन है देट कैन ओनली बिगिन एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम स्लॉट सो लेस कोलिजन्स देन अलोहा स्कीम रीजन बींग इज ट्रांसमिशन कैन ओनली बिगिन एट द बिगिनिंग ऑफ और एट द स्टार्ट ऑफ टाइम स्लॉट जैसे एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं इसका सपोज हमारे पास नोट है एक नोट है दो नोट और तीन नोट है हमारे पास अब हर एक नोट के लिए आपने एक स्लॉट बना दिया सपोज इस वाली नोट के लिए एक स्लॉट ये है इस वाली नोट के लिए एक स्लॉट ये है इस वाली नोट के लिए एक स्लॉट ये है ठीक है अब ये जस्ट मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज से दिखा रहा हूँ इसको अब हमने क्या कहा कि ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग ऑफ टाइम स्लॉट पे हो सकता है ठीक है सो अगर ये नोट को ट्रांसमिट करना है तो इसकी बिगिनिंग पे ही करेगा अगर इसने बिगिनिंग पे करना शुरू कर दिया तो ये पूरा अपना ट्रांसमिशन करेगा और जितना टाइम स्लॉट है वहाँ तक ट्रांसमिशन करेगा रुक जाएगा अब क्या होगा कि जब दूसरी नोट को ट्रांसमिट करना है तो वो यहां पे नहीं करेगा यहां पे नहीं करेगा तो इसमें कोलिजंस नहीं होंगे वो अपने कारण से इसमें जो कोलिजन हैं वो कम होते हैं कंपेयर टू प्योर और सिंपल अलोहा नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पे सी एस एम ए सी एस एम ए की फुल -फुल 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 होती है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ओके, okay, सो so इसमें क्या करते हैं द नोट सेंस इज द मीडियम बिफोर स्टार्टिंग टू ट्रांसमिट नोट जो है वो मीडियम को पहले सेंस करेगी पहले चेक करेगी कि जो चैनल uh, है जो मीडियम है वो आपका फ्री है या नहीं है अगर फ्री है तब वो ट्रांसमिशन करना शुरू करेगा अदरवाइज नहीं करेगा ठीक है so, सो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है मीडियम uh, में या तो मीडियम आपका फ्री है या मीडियम आपका बिजी है अगर मीडियम फ्री है तो ट्रांसमिशन को स्टार्ट कर देना अगर बिजी है तो डिले कर देते हैं हम कुछ टाइम के बाद दोबारा से हम मीडियम को सेंस करेंगे अगर तब फ्री है तब हम ट्रांसमिशन करेंगे अगर अगर बिजी है तो हम ट्रांसमिशन नहीं करते हैं। अब इसके दो वेरिएंट होते हैं सी एस एम सी डी इज को सी एस एम ए सी डी का मतलब होता है कोलिजन डिटेक्शन एंड सी एस एम सी ए जिसमें सी ए का मतलब होता है कोलिजन Avoidance। अब ये जो है सी एस एम एस सी डी सी एस एम एस सी ए इसकी डिटेल आप देख सकते हो मेरे डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क की वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर पूरी यहाँ पे हम सिर्फ मोबाइल कंप्यूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो सी एस एम एस सी डी जो होता है वो वायरलेस नेटवर्क के अंदर इतना अच्छा काम नहीं करता इट डज नॉट वर्क वेल विद वायरलेस नेटवर्क क्यों क्यों नहीं करता ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है यहाँ पर होता क्या है कि जो वायरलेस नेटवर्क है उसमें जो रिसीव सिग्नल होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है अब बहुत ज्यादा वीक होने से क्या होता है वो एज ए नॉइस को भी कंसिडर कर लेता है कि ठीक है ये जो हमें सिग्नल मिल रहा है वो कोई एक नॉइस होगी तो उस केस में आपका कोलिजन हो सकता है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डेमॉन्स्ट्रेशन से दिखाता हूँ लेटेस्ट से हमारे पास ये एक चैनल है दिस इज दैनल वी कैन से कम्युनिकेशन मीडियम सो लेटेस्ट से मेरे पास यहाँ पे एक नोड है नोड ए ठीक है एंड लेट अस से हमारे पास यहां पे एक नोड है नोड बी जस्ट अनेट सो वी हैव टू नोड्स नोड ए एंड नोड बी ओके सो अब अगर हमें यह करना है कि नोट ए को कुछ ट्रांसमिट करना है तो नोट ए क्या करेगा यहां पे सेंस करेगा नोट ए यहां पे सेंस करेगा ठीक है अब अगर इस चैनल के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है कोई भी सिग्नल इसको मिलेगा तो वो क्या करेगा बेसिकली अपने ट्रांसमिशन को डिले करेगा बट होता है क्या है कि सपोज यहां पे नोट बी भी ट्रांसमिट कर रही थी बट जो इसका सिग्नल था नोट बी का जो ट्रांसमिशन का सिग्नल था वो बहुत ज़्यादा वीक था तो ये जो सिग्नल जब इसने सेंस किया तो इसको ये सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक लगा ठीक है क्योंकि जो वायरलेस नेटवर्क होते हैं उसमें सिग्नल कई बार बहुत ज़्यादा वीक डिटेक्ट होते हैं अब बहुत ज्यादा वीक लगा तो ये इसको एज ए नॉइस भी कंसिडर कर लेगा वो सोचेगा कि ठीक है कोई नॉइस है इसलिए हमें वो बहुत ज़्यादा वीक एक सिग्नल मिल रहा है अब क्योंकि नॉइस इसको लगेगा तो ये क्या करेगा नोड ए अपना ट्रांसमिशन शुरू कर देगा नोड so, ए अपना ट्रांसमिशन शुरू कर देगा अब ट्रांसमिशन शुरू होने से क्या हुआ क्योंकि नोड बी भी कर रहा है नोड ए भी कर रहा है तो कोलिजन हो सकता है ठीक है सो दिस इज द रीजन सी एस एम ए सी डी डज नॉट वर्क वेरी वेल इन वायरलेस नेटवर्क ओके चलो सी एस एम सी ए दैट इज कोलिजन अवॉइडेंस इट वर्क बेटर इन वायरलेस स्कीम्स ये ज्यादा अच्छे से काम करता है कंपेयर टू सी एस एम ए सी डी ठीक है अब इसमें होता है क्या बेसिकली कोलिजन अवॉइडेंस में ऑल द नोड्स आर ऑल द नोड्स आर फोर्स्ड टू वेट दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नोट इट डाउन फोर्स टू वेट फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन दे सेंसिस द मीडियम अगेन then दे senses the मीडियम अगेन before ट्रांसमिशन अब यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे हम रैंडमनेस को लिया है रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए उनको फोर्स किया जाता है कि ठीक है आपको रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करना ही करना है उसके बाद ही आप अपना ट्रांसमिशन शुरू कर सकते हो तो यहाँ पर हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारा कोलिजन है वो ना हो कोलिजन अवॉइड करने की हम कोशिश करते हैं ठीक है सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो जिसमें हमने देखा है यहाँ पे रैंडम असाइनमेंट स्कीम्स में अलोहा स्लॉटेड अलोहा देन सी एस एम ए के अंदर दो वेरियंट्स देखे सी एस एम ए सी डी एंड सी एस एम ए सी ए सो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव ऑल नोटिफिकेशन थैंक यू